जी, मेरा सवाल पहले था कि जो मैंने दैन मोहर के मुतालिक से पूछा था, उस टाइम में मेरा नेटवर्क चला गया था तो क्लियर नहीं हो पाया, तो आज मैं उस सवाल को क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि दैन मोहर के तालुक से। हाँ हाँ बोलिए। तो जी उस टाइम में मैंने बोला था कि मैंने दैन मोहर रखा था, तो जो जैसे कि लोगों ने तय किया कि 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, तो उस टाइम में मैं दिन से दिन के मामले में बहुत कमजोर था। उस टाइम में सब मामले में मैं नहीं जानता था कि दैन मोहर खुद लड़का अपने हैसियत से रखता है चाहे जो भी हो। और उसके बाद में जब हमको शादी के बाद मालूम चला कि हमको इस दैन मोहर का इतना ये है वो है, तो कहने का मतलब है कि दैन मोहर बाद में जब जब हमको बाद में मालूम चला, तो क्या हम शादी के बाद में अपने अपने हैसियत से दैन मोहर अदा कर सकते? फिर से आपका नेटवर्क चला गया भाई, लेकिन बात तकरीबन आपकी समझ में आई कुछ जी। भाई का सवाल जो मैं समझा वो ये है कि जब इनकी शादी हुई तो महर की एक रकम मुतय्यन हुई जो इनके हिसाब से वो रकम बड़ी है। कह रहे हैं कि मुझे उस वक्त इतनी समझ नहीं थी और वो रकम ज्यादा रख दी गई, तो क्या अब जब मुझे समझ आ गई है तो क्या मैं उसको अपने हिसाब से अपनी हैसियत से कर सकता हूँ? देखिए मेरे भाई, महर के अंदर ये तो मुनासिब है कि आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक महर रखे, लेकिन ये शर्त नहीं है कि आपकी हैसियत के मुताबिक होगा तभी सही होगा। आप अपनी हैसियत से ज्यादा भी महर दे सकते हैं, इसकी ममानियत नहीं है। तो महर में असल ये है कि आपके दरमियान इत्तेफाक क्या हुआ है, ये नहीं है कि आपकी हैसियत क्या थी। वो तो आपका मामला था कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक तय करते। तो महर में हैसियत नहीं देखी जाएगी, महर में ये देखा जाएगा कि आपने तय क्या किया है। जो तय किया हो, जैसे हम आप कोई सामान खरीदे, आपको बाद में लग रहा है कि मैं ज्यादा में खरीद लिया, तो क्या वो आपको पैसा वापस कर देगा? भाई उसी वक्त आपको सोचना चाहिए। तो महर आपको अपनी हैसियत से तय करना चाहिए, लेकिन अगर आपने अपनी हैसियत से ज्यादा पर इत्तेफाक कर लिया तो वो महर लाजिम हो गया, वाजिब हो गया आपके ऊपर देना। तो जितना तय हुआ है उतना देना आपके ऊपर वाजिब है। अब ये अलग मसला है कि अगर आपकी अहलिया अपनी मर्जी से, अपनी रजा और रगबत से आपके साथ आसानी करना चाहें तो वो आसानी कर सकती हैं, उसमें से कुछ जो है वो माफ कर दें कि मैं इतना माफ कर रही हूं, इतना दे दीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब वो अपनी मर्जी से ऐसा करेंगी तब, वरना जो महर तय हो गया है वो वाजिब है उसका देना, उसमें हैसियत नहीं देखा जाएगा। भाई देखिए, बख्शने वाला यहाँ तक सही है कि जो बख्शने वाला इंसान है अपनी मर्जी से बख्श रहा है, बगैर किसी दबाव के वो बख्श रहा है, तो वो पूरा भी बख्श सकता है। लेकिन ये चीज कोई काबिले तारीफ चीज नहीं है कि जब बीवी आपकी ज़ौजियत में आ गई तो आप मुख्तलिफ तरह के नाजुक मौके पर उससे जो है अपनी महर बख्शवा लें। उसका हक है, उस मिस्कीन औरत का हक है, उसे दीजिए। अब वो अपनी मर्जी से आपकी परेशानी को देखते हुए उसमें से कुछ माफ कर दे रही है तो ये उसकी तरफ से एहसान है और उसका अज्र भी उसे मिलेगा, लेकिन मुकम्मल उसकी मर्जी से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सख्त बीमार हुए, अब आपको लग रहा है कि अब मेरे चल चलाव का वक्त है, तो आप जो है इस नाजुक मरहले में बीवी से कहे मुझे माफ कर दो, तो कौन बीवी है जो नहीं माफ कर देगी? ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उससे पहले आप अदा कर दें। जी जी, जजाकल्लाह खैर।